Hey, what's up guys welcome back to my youtube channel. In this video we are gonna be talking about some vocabulary words with their meaning and examples that will help you a lot to improve your conversational skills like some words are ascribe, spectacular, petrified, convenient, fumble, prick, jobless, essential. So watch this video till the end because you are gonna be learning something new. So friends without any further ado let's jump to the video. सो और फर्स्ट वर्ड इज अस्क्राइब इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना या फिर किसी को किसी चीज़ का उत्तरदायी ठहराना चलिए एग्जाम्पल लेते हैं वट एवर आई एम टूडे आई अस्क्राइब दैट टू यू ऑल मतलब जो कुछ भी मैं आज हूँ उस सब का श्रेय मैं आप सभी को देता हूँ वट एवर आई एम टूडे आई एस्क्राइब दैट टू यू ऑल नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज स्पैक्टेक्यूलर इट मीन्स देखने में शानदार या फिर बहुत खूब या फिर बहुत अच्छा चलिए एग्जांपल के बारे में बात करते हैं वन आई वेंट टू नैनीताल फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज़ फैसिनेटेड बाई स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ माउंटेन्स मतलब पहाड़ों के गजब के या फिर पहाड़ों के शानदार नज़ारे को देखकर मैं उसकी तरफ मंत्रमुग्ध हो गया था जब मैं पहली बार नैनीताल गया था वेन आई वेंट टू नैनीताल फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज फेसिनेटेड बाई स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ माउंटेन्स नेक्स्ट वर्ड इज रेकअप इसका मतलब होता है कुछ बुरी यादें या फिर नापसंद चीज़ों को याद दिला देना या फिर ताज़ा कर देना जिससे लोग परेशान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल वाई डू यू ऑलवेज रेकअप द थिंग्स दैट हैपन्टवीन अस नियरली टेन ईयर्स अगो मतलब लगभग दस सालों पहले जो चीज़ें हमारे बीच हुई थी उन चीज़ों को तुम हमेशा याद क्यों दिला देते हो या फिर उन चीज़ों को तुम हमेशा ताज़ा क्यों कर देते हो वाई डू यू ऑलवेज अप द थिंग्स दैट हैपन बिटवीन अर्ज नियरली टेन ईयर्स अगो नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएट इसका मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना या फिर पलट कर बदला लेना या फिर आप हाँ बोल सकते हैं जैसे को तैसा देना चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं वी शुड नॉट टीच और यंगर्स टू रिटेलिएट मतलब हमें अपने से छोटों को पलट कर बदला लेना नहीं सिखाना चाहिए वी शुड नॉट टीच और यंगर्स टू रिटेलिएट हमारा अगला वर्ड है पैट्रिफाइड। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरना या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत होना एग्ज़ाम्पल है एवरी वन इज़ पैट्रिफाइड और स्पीकिंग ऑन स्टेज इन स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में स्टेज पर खड़े होकर बोलने में हर कोई बहुत ज़्यादा डरता है एवरी वन इज पैट्रीफाइड ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज इन स्टार्टिंग नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉफ़िट इस वर्ड के बारे में सेकेंड लास्ट वीडियो में या फिर थर्ड लास्ट वीडियो में किसी के द्वारा पूछा गया था चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं वर्ड है प्रॉफिट इसका मतलब होता है लाभ या फिर मुनाफा या फिर फायदा ये ज़्यादातर किसी बिजनेस के बारे में या फिर कोई ख़रीदे हुए सामान के बारे में या फिर बेचे जाने वाले सामान के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पर यूज़ किया जाता है चलिए एग्जाम्पल लेते हैं देर इज़ नो प्रॉफिट हेयर इफ़ आई इन्वेस्ट माई मनी इन दिस बिजनेस मतलब यहाँ कोई भी प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर कोई भी मुनाफ़ा नहीं है अगर मैं अपना पैसा इस बिज़नेस में लगाता हूँ देर इज़ नो प्रॉफिट हेयर इफ़ आई इन्वेस्ट माई मनी इन दिस बिज़नेस अगला वर्ड है जेनरस इसका मतलब होता है उदार या फिर दयालु एग्ज़ाम्पल है ही हैज हैजॉट जेनरस बिहेवियर मतलब उसका उदार व्यवहार है ही हैज हैजॉट जेनरस बिहेवियर नेक्स्ट वर्ड है इनहबिटेबल इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो होने से रोकी ना जा सके या फिर होनी है तो होनी है चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ही वॉज राइडिंग बाइक वेरी फास्ट एक्सीडेंट वॉज इेविटेबल मतलब वो बाइक बहुत तेज़ चला रहा था एक्सीडेंट तो होना ही था ही वॉज राइडिंग बाइक वेरी फास्ट एक्सीडेंट वॉज इनएविटेबल नेशवर्ड इज़ कन्वीनियंट इसका मतलब होता है आसान या फिर सुविधाजनक चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इफ़ वी मीट एट फाइव ओ क्लॉक इन द इवनिंग विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू मतलब अगर हम शाम को पाँच बजे मिलते हैं तो क्या ये आपके लिए सुविधाजनक होगा इफ़ वी मीट एट फाइव ओ क्लॉक इन द इवनिंग विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू नेक्स्ट वर्ड इज़ फम्बल इसका मतलब होता है टटोलना या फिर बोलते समय रुक जाना या फिर अटक जाना चले एग्जाम्पल लेते हैं आई यूश टू फम्बल वाइल्ड स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर मतलब पहले मैं इंग्लिश बोलते समय अटक जाया करता था आई यूश टू फम्बल वाइल्ड स्पीकििंग इंग्लिश बिफोर नेक्स्ट वर्ड है प्रेक इसका मतलब होता है किसी नुकीली चीज़ से चुभाना या फिर छेदना चलिए एग्जाम्पल लेते हैं वाई डिड यू प्रिक निडल इंटू माई फिंगर मतलब तुमने मेरी उंगली में सुई क्यों चुभाई वाई डिड यू प्रिक निडल इंटू माई फिंगर नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज इसका मतलब होता है कोई राज या फिर किसी गुप्त बात का खुलासा कर देना या फिर राज खोल देना एग्जाम्पल है शी रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हर पास्ट डेज मतलब अपने पुराने दिनों के राज के बारे में बताने से उसने मना कर दिया शी रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हर पास्ट डेज नेक्स्ट वर्ड इज़ जॉबलेस इसका मतलब होता है निठल्ला या फिर बेरोजगार एग्जाम्पल इज ही जॉबलेस पर्सन सो ही रोम्स हियर एंड देयर मतलब वो एक निठल्ला इंसान है इसलिए वो इधर उधर खाली घूमता रहता है ही इज़ ए जॉबलेस पर्सन सो ही रोम्स हेयर एंड देयर यहाँ पर एक वर्ड है रोम इसका मतलब होता है खाली इधर उधर घूमना या फिर बैठना नेक्स्ट वर्ड इज़ असेंशियल इसका मतलब होता है जरूरी या फिर आवश्यक एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज़ सो असेंशियल फ़ॉर दिस जॉब मतलब इस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस होना अनुभव होना बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस इज़ सो असेंशियल फ़ॉर दिस जॉब नेक्स्ट वर्ड इज़ हीप इसका मतलब होता है चीज़ों का ढेर चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हाउ विल आई गेट इंग्लिश बुक इन दिस हीप ऑफ बुक्स मतलब इस किताबों के ढेर में मुझे इंग्लिश की बुक कैसे मिलेगी हाउ विल आई गेट इंग्लिश बुक इन दिस हीप ऑफ बुक्स सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस ए क्वेश्चन है जैसे मैंने आज की वीडियो में एक वर्ड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिया है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी वीडियोस में एक वर्ड से रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स लेता हूँ तो आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बिकॉज इट विल हेल्प मी टू फिगर इट आउट